प्यानु पगत दी पग तो कथा महान सुनो सुनामा प्यानु पगत दी पग तो कथा महान भगती दे विच शक्ति है ते भगता विच भगवान तन जवाला मुखी दमंदर जाइए जिस तो वारी बिन माँ बाप दपाले बच्चा माँ दे एक पुजारी होए कदम कदम ते देवी माता उसनू रही बचाउंदी देवी माँ दे तेजी गासे उसनू दूध पिलाउंदी बाल भगत दी संगत दे विच रोगी होए अरोगी गया बचपना आई जवानी बालक बन गया जोगी लख मुश्किला सिर ते आया भगत होरी ना डोले जो माता ने बोल बुलाए तो ही भगत जी बोले ओए भगत दी भगती ते शक्ति नू अकबर ने अजमाया माता दे दरबार च अकबर नंगी पैरी आया शीश कट के मानू दिती शीश कट के मानू दिती भगत ने पेट निराली कटिया शीश पुकारे माता कटिया शीश पुकारे दर्शन दे मां जोता वाली जानू भगत दा कहना सी के दुख सुख विच ना डोलो माँ दी ममता अमर रहेगी जय माता दी बोलो पग तो जय माता दी बोलो राम पली करे उम्र लंग गई है दाई पुना कर दिया कर दिया राम रखी पहन तू हाँ वीरा मैं पहन तान दे ने माता दी मूर्ति मगाई है लेके आई हां चंगा चंगा पहन तान दे नू कह दे ओदा भरा अली खुशखबरी सुन ली बाहर इंतजार कर रहा है हां हां कह दे ਲੈ ਤੰਦੀ ਪੈ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਨਾਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਮੈਂ ਪੀੜ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਭੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਉਸ ਦੁਖਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇ परवरदिगार तू इस नमाने की फरियाद कबूल करके बड़ा रहम किया रावा कांदी सातों दिन छिड़ गई है नहीं कौन हो सकता त्रिलोचन कौन कोई भी तो नहीं त्रिलोचन तेरे कन पे बस देना सो जा त्रिलोचन ठहर जा देवी मां दा पुजारी ते गल्ला करना है भूता प्रेता दिया इस पवित्र थां ते भूत प्रेत किवें आ सकते ने ते फिर तू कौन है मेरे सामने क्यों नहीं आउंदी तेरे विच ओ शक्ति नहीं ते ना ही ओ अखां हन जिन्हां नाल तू मैनू वेख सके जरा सोच इस मंदिर विच
देवी माँ तो बिना होर कौन आ सकता है। देवी माँ, देवी माँ, तू साक्षात मेरे नाल गल कर रही है। मैं किन्ना पापी हूँ जिसमें दर्शन नहीं हो रहे। लाटा वाली माँ, इस निर्गुड़े लिए क्या क्या है। इस पिंड विच मेरे एक भगत ने जन्म लिया है। तंदे ही दे कर जा ते त्यानू नू अपने कोल ले आ। त्यानू? हाँ, त्यानू बालक दा नाम है। उसकी माँ ने मृत्यु लोक छड़न वेले मेरा ध्यान किया, इसलिए त्यानू की देखभाल करके अपना जन्म सफल कर। जो आ गया। जय माता दी, जय माता दी। भैन दुलारिये, हुण इस बच्चे नू तू पालना, लै इनू अपने घर लै जा। ना भाई ना, इस बच्चे नू कौन अपने घर लै जाएगा। जम्मन तो पहला प्यो नू खा गया, ते जमदिया ही मां नू खा गया, ते दूजिया नू कदों छड्डे। ना ना ना, बच्चा खुदा दा नूर हुंदा है, इनू मनूस ना आख। ते फिर तू ही लै जा इनू अपने घर। भगत जनू, पुजारी जी, इस भगत बारे किसी नू चिंता करन दी लोड़ नहीं। इनू देवी मां ने अपने कोल बुलाया है। मैंने देवी मां ने आदेश दिता है, मंदिर विच ले जाके इसकी पालना करा। आओ ध्यानू भगत जी। बेटे हुई हुई चुप हो जा पुत्र, हुई हुई हुई, हाँ चुप हो जा पुत्र, हाँ मैं अपने बेटे नूं लोरी देगा, हाँ हाँ चुप हो जा पुत्र, हाँ तेनू की चाहिदा है। ओ, ओ, बोल बेटे। तेनू की चाहिदा है। बोल पुत्र। ओ, तू तो बोल के दस ही नहीं सकता, हूं की करा। देवी माँ, देवी माँ, माँ माँ, यह मुसीबत मेरे घर में क्यों पा दी थी, मैं इनू किस तरह चुप करावा। माँ मेरी मदद कर माता, तेरे कहते इस बच्चे ने इतने लिया ऐसी महामारी। दुर्गा मैया, माता, दुर्गा मैया, माता। कितों आ गई है? तेनू दूध चाहिदा सी। वाह देवी मां, जय हो देवी मां, जय हो। जय माता दी, जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय माता दी, ओ ओ, बचाओ बचाओ, बनमारो बच्चे को किसने ले गया? बचाओ, कौन? बचाओ बचाओ, बनमारो। हैं? ये तो पुजारी की आवाज़ है। पुजारी जी मारा है? पुजारी जी,
मुने मेरे आगे आगे सी पता नहीं किसने गया मन तेरा मंजर अखा दीवे बत्तिया बुला दिया थालिया च बोल फुल पत्तिया रोम रोम जीबा तेरा नाम पुकार दी आरती ओ मैया आरती जोता वाली मां तेरी आरती मन तेरा मंदर अखा दीवे बत्तिया बुला दिया थालिया च बोल फुल पत्तिया रोम रोम जीबा तेरा नाम पुकार मां गौरी तेन पौना कर दिया चौरी ए हुंदियां जो बरसाता ए पावन तेरियां बाता ए पस चढ़ते गुलजारा सब तेरिया मौज बहारा तेरा नाम जदों असी सुनिए मन चानण दे विच पुनिए तू ते मूर्ति मां सच्चे प्यार दी रोम रोम जीबा तेरा नाम पुकार दी आरती ओ मैया आरती ओ जोता वाली ये मां तेरी आरती सतवंती है पसवंती रसवंती साड़ी इको एक बिनंती साड़ा चोला रंग बसंती हे दुख पंजन सुखदाती सन सुख होवे दिन राती जो तेरा नाम ते आवे मुँह मंगिया मुरादा पावे जो तेरा नाम ते आवे मुँह मंगिया मुरादा पावे ओ डूबने वाले अनुपार उतार दी रोम रोम जीबा तेरा नाम पुकार दी आरती ओ मैया आरती ओ जोता वाली ये मां तेरी आरती हे महाकाल महाशक्ति सानू दे दे अपनी पत्ति हे जग जननी महामाया हर जीव है तेरा जाया तू चानन है अवनाशी तू अनमिट पूरन माशी सड़े कर दे दूर हनेरे सन बख्शी नवे सवेरे ओ चोली पर दे तू सारे संसार दी रोम रोम जीबा तेरा नाम पुकार दी आरती ओ मैया आरती ओ जोता वाली ये मां तेरी आरती ओ तू ते मूर्ति ये मां सच्चे प्यार दी ओ लाटा वाली ये मां तेरी आरती ओ डूबने वाले अनुपार
चोली पर दे तू सारे संसार दी समय समय धरती ते भगत लोग जन्म लेंदे रहे हैं ते लोकां नूं सच्चे मार्ग ते चलण दे उपदेश देंदे रहे हैं ऐसी तरह मैं समझदा हां ध्यानु भगत ने जन्म लिया है ते भी अपने समय विच जन सुधार ते लोक कल्याण करनगे पुजारी जी क्यों तुसी सानू बेवकूफ बना रहे हो इस छोटे जे बाल वास्ते ऐनियां उच्चियां गल्लां करनियां तुहानू शोभदियां नहीं मैनू तुसी जो मर्जी कह लो पर ध्यानु नूं साधारण बाल न समझो इसनू एक गौ माता आप चल के इस तरह दूध पिलाऊंदी है जिस तरह मां अपने बच्चे नू पुजारी जी सुनिया सुनाया गल्ला नहीं करी दिया जाते अखी ना देख ले तुम्हारे कसर आ सकता है ये गल है तो अज तुसी अपनी अखा नाल देख लेना उसके दूध पिलाने का समय हो गया है चलो चलो हूं तुसी दसो ये गां किस दी है पुजारी जी ये गां साढ़े पिंड दी नहीं असा इनू कदी नहीं वेख्या मैं दसा ये गां जोता वाली माँ दे पिंड दी है जोता वाली माता दी जय जानू भगत दी जय होता जोता वाली दी जय पुजारी जी सानू इत्थे बड़ी देर हो गई है असि बड़ी दूरों आया तैनू भगत दे दर्शन करन ते आशीर्वाद लैन क्यों नहीं तुसी आराम नाल बैठो मैं हुणे ही जानू नूं साथ के ले आउणा जानू बेटे बाबा ज्ञानू बेटे बाहर लोग दर्शना ले आए ने बाबा मेनू रोज रोज लोगों नु दर्शन ते आशीर्वाद देने का काम नहीं चंगा लगता मेनू ते माता दी गोद विच बहना चंगा लगता है या फिर अली मामा दे खेतां च काम करना ओ लोग बहुत दूर तो आए ने उन्होंने निराश नहीं करना चल थोड़ी देर वास्ते बाहर चबूतरे दे चल के बैठ जा बाबा बेटा पुत्र चल इंज नहीं करी ना बैठ पुत्र आओ भाई भक्तजनो कर लो दर्शन ले लो आशीर्वाद माई जय माता दी जय माता दी बोल भगत जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय तानू भगत दी बाबा मैं चले अली मामा दे खेतां च पुत्र पुत्र भाई ध्यानू तो मन मौजी है मन विच आए तो आशीर्वाद देंदा है नहीं तो चुप करके खेतां वल निकल जांदा है तानू सारे नु दर्शन तो हो गए ना आशीर्वाद देने फिर कदी आ जाना है जय माता दी जय माता दी ध्यानू पुत्र तू जट नहीं रहा तू भगत है भगत तो खेतां च काम करना जट्टां दा काम है मामा दूजे लोग खेतां च काम नहीं कर सकते पुत्र पहला तो सारे खेतां च काम करदे सी फिर काम वध गए वढ़ने पै गए तो जिदे हिस्से जड़ा काम आया ओनू करना पिया मामा मेरे हिस्से च सारे काम आए ने मैं खेतां च भी काम करूंगा तू बड़ा जिद्दी है तू नहीं मनेगा मामा देख ले पैरी दे चारे खुंजे पुट के तेरा वधिया बना दिते ने बुढ़िया ते जवाना दा की मुकाबला जदों मैं तेरे जिद्दा हुंदा सी ना कुमा थां ते कल्लियां ही गोड़ लैंदा सी अजकल दे जवान साडे जमाने दे जवानां दा मुकाबला नहीं कर सकदे हर बुढ़ा आदमी इंज ही कहिंदा है मामा मेरा ख्याल है कि बुढ़े बारे मैनू भी इस तरह ही कहना पऊगा कहना पऊगा नहीं पुत्रा सच्चाई होगी सच्चाई सुनिया है आने वाले जमाने विच लोकी टांगियां नाल बताऊं तोड़िया करनगे इहदा मतलब यह होया मामा कि बताऊं दे बूटे
बूढ़ा दरख्तों जिसे वड्डे होया करनगे। हुण तेरे नाल बहस कौन करे, चंगा भाई तू जितया ते मैं हारिया। चंगा मैं चलना। तुसी दसो पुजारी जी की कीता जाए, लड़का गुंगा हो गया ते उन्हों पारों दे व्याली काले पए होए ने, वैदा ने सारी वार ला ली पर उदी जबान ठीक नहीं हुई। ए ता कुड़ी दी जिंदगी दा सवाल है, दूसरे बन्ने बिरादरी विच ना करनी भी औखी है। जे त्यानू उन्हों आशीर्वाद दे देवे तो शायद सतीश की आवाज वापिस आ जाए। लो भगत जी आ गए। त्यानू पुत्र, पोते मेरा एक छोटा जा काम कर दे। छोटा जा क्यों चाची, तुसी मैनू कमजोर समझ दो कि वड्डा काम नहीं कर सकता? नहीं पुत नहीं, ये गल नहीं, मैं चाहनी हूँ तू सतीश नू आशीर्वाद देने ताजो उसकी आवाज वापिस आ जाए। चाची सतीश नू कहना वो भी लोगों का आशीर्वाद लैन आ जाए। पुत वो तो पहले भी कई बार आ चुका है पर उन्हें आशीर्वाद नहीं मिलिया। चाची ये तो मेरे वास की गल नहीं कि किसी जान बुझ के आशीर्वाद दे सका, मेरे हाथ तो अचानक उठते ने, वो तो माता ही जाने कि किसनू किस वेले आशीर्वाद देना है। तुसी माता अगे प्रार्थना करो, लाटा वाली तुहाडी मंशा पूरी करेगी। चंगा मैं सतीश नू आशीर्वाद लैण वाले लोगों च जाके हुणी खड़ा करनी है। हाँ पुत उन्होंने क्या है जो देवी नू पाएगा सो ही होएगा, तू चंगी तरह आशीर्वाद लें पुत तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चल मेरा पुत। त्यानू पुत्र तीर्थ यात्रा दे जाने की सारी तैयारी हो गई है, मैं कल चले पावांगा। पर बाबा बुढ़ोगे कदों? ए ना पूछ, मैं सारे तीर्था की यात्रा करनी है, पता नहीं कितने साल लग जावण। पर बाबा कदे ए ना होवे कि तुहानू लब्भण लई मैनू तीर्थ यात्रा करनी पवे। पुत्र जो मां नू पावे सोई होवे। आओ भगत जनू कर लो दर्शन। बोल भगता, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय प्यानु भगत दी। बोल भगता, जय माता दी। वेख की रहा है, बोल जय माता दी। जय माता दी, 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 बोल तेरी सिल से खोल किधे बजते
तेनू शर्म नहीं आंदी लुच्चा बदमाशा लुक लुक के कुड़िया नू तकना। अच्छा जी हुन असी लफंगे लुच्चे ते गूंगे तोते हो गए हैं। उई मां तुसी यकीन करी पारो मैं कुड़िया नू नहीं बल्कि अपनी होन वाली वोटी नू तक रहा सी। हाय मैं मर गई तुसी केहो जिहा गल्ला कर रहे हो। हाय गल्ला ते ता करा जे तुसी करन दियो थले तोड़ा की गुआच गया जो उथे वेखे जा रहे हो जरा इधर भी तो देखो। परे हटो जी मेरी सहेलियां वेखन गया की कहन गया। ओ सहेलियां ने की कहना बेशरम। पता नहीं दुखा ने मेरा खेड़ा कदों छड़ा मुंडा गुंगा हो गया ते बेचारे दी मां वोटी लिया तो पहले ही चल बसी। बापू सतीश बापू बापू सतीश पुत्र तू बोल सकना है। हाँ तू बोल सकना है। हाँ बापू हाँ बापू तानू भगत आशीर्वाद नाल मेरी आवाज वापस आ गई है। क्यों ना चाचा जी मंजी चुके चानू भगत को लाए चलिए माता ने चाहा ता आशीर्वाद मिल जाएगा। पर उसे तो पैरी तुर के जान वाले आशीर्वाद मिल जाए ये दर्शन होंगे ने। मैं जाके भगत जी ने इतने ले आना है मैंने यकीन है वो मेरी मदद जरूर करेंगे। पर सतीश ये क्या अनहोनी गल है भगत जी आशीर्वाद दें किसी के घर नहीं जाते। मेरे तो मेरे होने वाले स्वरण की भगत जी का घर वाली गल है वो मेरी गल जरूर मनेंगे। मेरे आने तक तुम बापू का ख्याल रखना। चंगा खोलो। हाँ थोड़ी होर खोलो। मैं कहने खोलो ना। हाँ बस पारो दर्द बर्दाश्त नहीं होंगी। बर्दाश्त क्यों नहीं होंगी मैं जो काम करनी है पूरा करनी है अधूरा नहीं छोड़ दी। ए होई ना गल देखो ए जहरीला कीड़ा जे ना काट दी ते अख अन्नी हो जानी सी। धन्यवाद। हाँ हाँ बैठो बैठो आराम नाल बैठो। पारो चानू नाल आराम आ गया। पारो तू ना आउंदी तां पता नहीं मेरा की हाल हुंदा उम्र पर तेरा नहीं रहांगा। भगतां दे मूहों एहो जिही निराशावादी गल्लां चंगियां नहीं लगदियां। भगत भी तां इंसान हुंदे ने पर उन्हां दा दर्जा आम इंसानां नालों उच्चा हुंदा। चंगा मैं चलनी हां मां गुस्सा करेगी फिर मिलांगी। माफ कर दे बापू आखिरी वेले तेरे को ले रह के उस पागंडी भक्त को चला गया बापू उस नीच कमीने को तेरी उम्र ली भीख मांग ले बापू। पर बापू वो नीच है घोर पाखंडी है लोकां दे सामने पक्ती रचाने वाला पागंडी है बापू। तैनू आया नहीं इसलिए सतीश नू गुस्साए। सबर कर पुत्र असी सारे मृत लोग दे निवासी हैं इतने ना कोई सदा रहा है ते ना रहेगा हौसला रख। पर वैजी मैंने दुख इस गल रह के आखिरी वेले अपने बापू दे कोल ना रह के उस पाखंडी भक्त कोल चला गया। हुन पछतावा छड़ पुत्र ते क्रियाक्रम दा बंदोबस्त करिए। माफ करना मां मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता और इस घर की बहू नहीं बन सकती।
सतीश लोगों के सामने तेरी इज्जत मिट्टी विच रुल रही है। पारो वर्गी बदकार कुड़ी ते त्यानू वर्गी पाखंडी भगत ने सजा मिलनी ही चाहिए। पहला पारो नाल विआह करा ते तसीहे दे के मार ते फिर त्यानू ते पाखंड नू लोगों के सामने पेश कर। तेरे लिए इस तो वड्डा पुन्न दा काम होर कोई नहीं। बाबा जी असि तुहाडे कहते पिंड च रक्तकार कढ़ी बकरे की बली भी दिती पर मीह पैंदा सर हाले भी नजर नहीं आता। साडे डंगर भुखे मर रहे ने बीमारी दिन ब दिन जोर फड़ रही है। प्यारे भक्तो कर ना पवो मेरी भविष्यवाणी कदे झूठ नहीं हो सकती। तुहाडे वास्ते मैं औखे तो औखा काम किया दसवें द्वार पहुंच के इंद्र देवता ने आप गल्लां कीतियां ने फिर यह विघन किस तरह पै गया। अच्छा मैं वेखना सनीचर भली और मेरे सारे मंत्र त्यानू खत्म करी जांदा जे ओ नहीं चाहुंदा कि कोई दूसरा उसके मुकाबले में कामयाब होवे। पर त्यानू तो कहंदा है जो माता नू पावेगा वही होवेगा। जे भला हो कवे ते माता का कहना मोड़ दिए ओए चलियो तो कहंदा ही नहीं। मेरी गल मनो त्यानू नू तू के खेता ले चलो ते उथे नू भुखा रखो जब तक मीना पवे तो उन्हें छोड़ो ना। आखिर तुहाडे सब लोगों की जिंदगी का सवाल है तो ठीक माता ओदी गल जरूर मनती है। ओ चलो फिर त्यानू नू खेता ले चलिए। चलो त्यानू दा बच्चा साजे मुरीदा नू साजे कोल खोड़ा चांदा है। ठहरो भी ठहरो भगत नू मिलन दा आशीर्वाद लैण दा कोई समा हुंदा है। चलो पड़े अज लगदा समय दा तैनू जी चलो साढ़े नाल खेतों में चल के मीह बराओ। ओ मेरे खेतों में जाना मीह किस तरह वरेगा। तुसी माता नू कहो मीह पवाए। माता मेरे हुकुम दी बद्दी है जो मेरे कहने ते मीह पवाएगी। ऐ क्यों नहीं कहंदा कि तू माता नू कहना नहीं चाहुंदा। चलो लै चलो इनू खेतों च। हाँ हाँ बाबा ठीक कहंदा इनू खेतों च लै चलो आपे मीह पवाओ। बाबा कौन शेषर बाबा मरेगा तो मीह पवाए। चलो जब तक मीह नहीं वराउंदा तद तक इतने पैलियां भुखा ते प्यासा रहो। दुख सुख दाए तन दे कपड़े इक लावे इक पावे इक लावे इक पावे बंदे नू समझ न आवे 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 ओ चावे ता प्यासा मारे चावे ते प्यास बुझावे बंदे नू समझ न आवे बंदे नू समझ न आवे। ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਚਾਬੀ ਭਰੀ ਉਸ ਨੇ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ ਖਿਡਾਉਣਾ ਚਾਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ।
मछली जी ना सकती, मां बिन जिए न बच्चा। जल बिन मछली जी ना सकती, मां बिन जिए न बच्चा। उसदा इंद्रानी परदा जिसदा सिद्क है सच्चा। बंदे नू समझ न आवे। जपियां पावे बंदे नू समझ न आवे, बंदे नू समझ न आवे। ओ चावे ता प्यासा मारे, चावे ते प्यास बुझावे। बंदे नू समझ न आवे, 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 बंदे नू समझ न आवे। बंद करो, बंद करो, ओ प्रकृति बंद करो, मैं तो पानी की डूब चलिया। जय माता दी। गोपाल बहादुर नू मोढ़े चुक लै। चंगा जी। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। बैठो बैठो पंडित जी, किस तरह आना होया? मैं सतीश दा स्नेहा लेके आया। तन पागे की सुनिया कर लिया मेरे पुत्र ने? व्याह इसे महीने दा मंगया है। इसे महीने दा? ये किस तरह हो सकता है? उन्हें पता नहीं, उतो काल पिया है। लोकां नू तां जान बचाउण दी पई है, ते सतीश नू व्याह कराउण दी काल है। भगत जी नू व्याह शादियां दे मामलियां च दखल नहीं देना चाहिए। ये तां तुसीं जजमान लोग जाणो, जो हुक्म दोगे जाके सुना देंगा। सतीश तेरा दोस्त है, उन्हें चंगी तरह समझा दे कि साडे कोलों एडी छेती व्याह नहीं दे होना। आखिर असीं कुड़ी वाले हां, सानू कुछ ना कुछ प्रबंध ते करना ही पवेगा, आउंदी फसल ते कर देंगे। जो हुक्म, पर ए गल मेरे जजमान नू चंगी नहीं लगनी। असीं मजबूर हां, वरना अपने पुत्र दा हुक्म कदे ना मोड़ दे। चंगा, मैं सतीश नू सारी गल समझा देंगा। पंडता, जदों तेरी जजमानी ने ना कीती उथे होर भी कोई सीगा? तानू भी सी। तानू उथे की कर रहे सी? पता नहीं, मैं बैठा उन्हां नू डीक रहा ही, तिन्ने बारों आए हसते खेड़ दे, मैनू वेख के चुप छा गए। ओ तिन्नू कौन? जजमाननी तानू ते पारो। ऐ गल है, उन रंग रलियां खुले आम मनाईया जा रही है। ओए तानू ने तेरे नाल होर कोई गल कहण लगा? लोकां नू तां जान बचाउण दी पई है, ते सतीश नू व्याह करवाउण दी। चल मेरे नाल। पाखंड छड़ देता अपना असली रूपी राजा सतीश। ओ लोको, तोड़ी क्यों मत मारी गई है?
इस पाखंडी को आशीर्वाद लेने अनुताप बलदान के पीछे बन के घसीटना चाहता। ओए पग ने की बिगाड़ा तेरा जेड़ा उन्होंने बोल बोल बोली जाना। ओए ऐ नीच मेरा की बिगाड़ सकता है एहो जिया पाखड़ी पत्ता को मैं नहीं डरता। की बकवास करी जा रहे है? बकवास मैं नहीं ऐ थोड़ा झूठा भगत कर रहा जे अज मैं दे पाखंड दा पांडा पनना है। ओए ए दा पुए चढ़ा जांदा हल्ला नु आओ नहीं इस नु जान दियो मूर्खरा जूझना नहीं चाहिदा कन्न खोल के सुन ले वड्डे पक्का जे तुम मेरे और पारो दे दरम्यान आन दी कोशिश कीती तो मैं तेनु कोड़े दे पीछे बन के त्रू के मार देंगा। हंकारिया माता तेनु इस तरह मारेगी जिस तरह भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिमाक्ष नु मारिया सी। ओए टट पूंजिए जिथों आया उथे ही चला जा तानू ने अपने शिकारा जो तेनू कुछ नहीं खोना। दुष्टा भगता करे शिकारा दी गल्ला करता है। चुप कर चमचा नहीं तो सिर में डांग खाएगा। सानू आस है कि तेरा भगत सारी गल समझ गया होगा ते अगो तो कोई गलत कदम नहीं चुकेगा। चलो साथियों की हाल है ली चाचा? चंगा भाई जवाना आज फौज किधर मुहारा मोड़ी फिर दी है। चानू ने मिल के आ रहे हैं उधर थोड़ा जा कम सी। चानू भगत का ना सारे संसार में चमक रहा है। साढ़े पिंड के धन भाग ने जिथे योजे भगत ने जन्म लिया। आहो योजे बंदे घर घर नहीं जमदे ते जदों जमदे ने चंद चाड़ देंदे ने। सुनिया तोड़े भगत नू कुवारियां कुड़ियां कोलों मुट्ठी चापी करवाउण दा बड़ा ही शौक है पर उहनां नूं नूरां ते जांदी होनी है। मैं तेरी गल का मतलब नहीं समझा। उदो समझोगे जदों भगत कोई चंद चाड़ेगा। चलो चंद चाड़ेगा। सुनिया उंगलियां मुंह विच पा लिया ने ताड़े जे भगत का अपमान करके सतीश ने अपनी कुल नु कलंकित कर दिता है। इंज ना कहो चाची एक अंजान ते ना समझिया गलतियां सारी कुल नु कलंकित नहीं कर सकदी। खैर मैं सतीश वास्ते तातू माफी मंगनी हां ते आस करनी हां कि तुसी ओनू जरूर माफ करोगे। सतीश ना मैनू कोई नाराजगी नहीं चाची पर हां उस दियां गल्लां तो महसूस होया है कि वो किसी गलतफहमी का शिकार है। ए तां भगते सन जिन्हां ने बर्दाश्त कीता ते लोकां नूं रोकिया नहीं तां सतीश दी इक भी हड्डी नहीं सी लभणी। हां कल जगराते ते उसनूं न्योता है मैं अज ही सुनेहा भेजनी आ ओह जगराते ते ना आए। नहीं चाची उसनूं जगराते ते आउणों ना रोको। पर फिर जे तुहाडे सामने उच्ची नीवी गल कीती तां मैं उसनूं समझा लवांगा पर आउणों ना रोको इस तरह करन नाल उहनूं होर गुस्सा चढ़ेगा। ठीक है जिस तरह तुहानूं चंगा लगता है मैं उसे ही करूंगी। तुसी चिंता ना करो ते जाके जगराते की तैयारी करो। जय माता दी। जय माता दी। जा मेरी गल मन ते तू नदौन जा ही ना ओथे जगराता तानू ने करना ते उनू वेख के तेरा खून फेर खोलन लग पैना। तू वेखदा जा पंडता मैं तानू दे मुंह तो ओदी झूठी भक्ति दा पर्दा ला के ओदी सच्चाई लोकां दे सामने किस तरह पेश करदा। ओ चल फिर असां तां यार दी यारी लई जाना उस दे गुणों गुण नहीं वेखणे। और रहा ना खीर खाने पंडता तैनू मेरे विच अवगुणा दिसवा होर कुछ नहीं दिसदा। ओ यार मैं तां सबैकी गल कीती है जे जाना ही है तां छेती कर वेले सिर पहुंच के जगराता ही सुनिए। ओए तेरी तो ओही गल हुई ना आपे ही मैं रजी पुजी ते आपे ही मेरे मां पिओ जी हन खुद ही गल करी जाना ते खुद ही गल छेती करो। तू तां हुणे लोहा लाखा हो जाना यार जगराते दे तां पहुंच ला। कोई नहीं पहुंचांगे बह जा चल। साचे दरबार की जय। मां जग तेरे मंदिर च आयो भोली मां जग तेरे मंदिर च आयो
भी तेरा, तन भी तेरा, रोम रोम तेरा वासा। रखते पादे बालक हाँ माते कुल चुप साड़ी माफ करी तो कुल चुप साड़ी जो तमाये तमाये कुल चुप साड़ी माफ करी तो दिखे अनुकल नाल लायो सुरते शुंभ निशुंभ जय राकश चुन चुन मारे जय माता दी जय माता दी जय माता दी सब तो बोलो जय माता दी जय माता दी जय माता दी सारे बोलो जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी खुल के बोलो जय माता दी मैं नहीं सुनिया जय माता दी 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 जय माता दी
मैंने इतने खलोते एक पैर बीत गया, किसी ने मैंने बैठने भी नहीं किया। पुत्र साडा ध्यान पेटा वाल सी, असि तेन देखे ही नहीं। तुसा मेरा निरादर किया, तानू नु पारे दे गोड़े नाल जोड़ के बिठांदे हो ते अपने होन वाले जवाई नू बैठने भी नहीं कहते। सतीश इस पितर थां ते तेनू इहो जिहा गल्लां करनियां सोभदियां नहीं, ते तेनू दूजियां दियां तीवां नाल जुड़ के बहना सोभदा है। मैनू जगराता करन लई चाची ने बुलाया सी ते पारों ने पेटा बोलने वास्ते जिद की, ते तू दी गल मन ली ते उन्हू अपने कोल बिठा लिता। वाह पत्ता, तेरे वर्गे मौके मिलन ते दुनिया दा हर आदमी भगत बनन लई तैयार हो जाए। तेरे होश ठा ठिकाने ने, तू मेरी बेइज्जती करने दे लालच विच अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती उदी होंदी जिदी कोई इज्जत होए, तू मैनू मिट्टी च रोल लिता, रन्ना दन्ना बन के बहन वाले तू इज्जत नू की जाने, आखिर देवी दा भगत है ना, तैनू औरत नाल खास लगाव है। सतीश देवी मां दे बारे एक भी भैड़ा लफ्ज बोलिया ता मेरे नाल बुरा कोई नहीं होएगा। अल्लाह लखा किसी और ने दिखाई, तेरी बत्ती पाखंड है ते तेरी नीयत खोटी है। तेरे वर्गे राक्षस दे मुंह तो बत्ती दियां गल्लां चंगियां नहीं लगदियां। हल मरा कुकड़ ते खा जिदे तू काबिल है। जय जगदम्बे, जय ज्वाला मां, जय माता दी, जय माता दी। मैं रस्म रिवाज तोड़ दवांगी, रिश्ता ही तोड़ देंगी। ये की कह रहे हो चाची, सगे संबंधी की कहेंगे, समाज की कहेगा? समाज कुछ भी कवे भगत जी, मेरी पारो दा पति सतीश वर्गा नहीं होना चाहिए। इंज ना कहो मां, वो भी तो किसी की धी भैन सी जो पिंगले नाल वरी गई सी। मेरी धी बाबा जी, तुसी जरूर कोई रेख विच मेख मारो ताकि मेरे मुंह दे गोद हरी हो जाए। सुख नाल व्याह नूं 2 साल हो गए ने। माई तेरी नूह दे घर बाल ताई खेल सकदा है जे किसी बच्चे का बलिदान दिता जाए। नहीं, असा ये पाप नहीं करना। मैं तानू भगत कोलों पुत्र की दात मंगलांगी। तानू उस पाखंडी नूं मैं खंड खंड कर दिया था। कुड़िए तू नहीं जानती तानू नूं पिंड वाले किड़िया नजर देखने पै, वो बच्चे का दात नहीं दे सकता। हाँ, बच्चा पैदा जरूर कर सकता है। बाबा जी नाराज ना हो कुड़िए, मैनू तो तेरी सस उत्ते तरसा आंदा पिया। बेचारी का खानदान खत्म होंगे सारे नजर आते ने। बाबा जी एक कुड़ी ते नादान, तुसी जो भी उपाय दसोगे मैं जरूर करांगी। चल चल बरी कन्या दी बरी, तेरे परिवार की लड़ी की कड़ी नहीं जोड़ सकती है। फिर देखिए बाबा जी, मैं जरूर करांगी, मैं जरूर करांगी, मैं जरूर करांगी। कुड़ी आ जा। नहीं, ऐ नहीं हो सकता। मां तेरी मत से नहीं मारी गई है, दूसरे की औलाद का बलिदान देखे अपने वास्ते औलाद मंगनी, इस तो वड्डा पाप होर की हो सकता है? पाप नहीं पुत्र, प्रायश्चित। जरूर साडे वड्डे वडेरियां ने कोई पाप किया होना ता ये तो साडा खानदान खत्म हो रहा है। मां जी तुहानू कितना पता है कि खानदान खत्म हो रहा है? हाली साड़ी बानी चिरी कितना होया? उस हरामी साधु ने कान च फूक जे मार दी है। मैं कहना लोगों ने उस पाखंडी नूं पिंड च रहन क्यों दिता है? लोग ते उस नूं पूजदे ने, ओ तां इस युग दा अवतार है। धर्मराज दे वही खाते तो इत्थे बैठा बैठा वेख लैंदा है। मां जी तुसी तां एवें सुनिया सुनाईया गल्लां करदे ने, पिंड वाले तो उसे बुलांदे भी नहीं। मैं कहना तुसी उसदे कोल गईयां क्यों? धीरज रख पुत्तर, ते ठंडे दिमाग नाल सोच के फिर गल करी, इस वेले तेरे फिर गुस्सा सवार है। आ सुनावी जवाना, ध्यानू भगत दा मंदिर केड़े पासे है? इस गली भी सीधे तुरे जाओ ते अगले चौक तो खब्बे पासे मुड़ जाना, मंदिर पहुंच जाओगे। धन्यवाद, चल। आ,
मैं क्या बेटा ध्यान भगत का मंदिर केड़े पासे है बाबा ऐस गली में जाके खबे मुड़ना सामने मंदिर दिखेगा धन्यवाद बेटा धन्यवाद जय माता दी जय मैया दी जय माता दी जय मैया दी दुखरनी सुखरनी माता जय माता दी जय मैया दी जय मैया दी जय माता दी दुखरनी सुखरनी माता जय माता दी जय मैया दी जय माता दी जय मैया दी दुखरनी सुखरनी माता जय माता दी जय मैया दी भगत दी जय भगत जी दी जय भगत जी दी जय हो जय हो जय हो भगत जी साडा दुख करो वरदान देके साडी गोद देर ना लाओ छेती करो बाबा जी मेनू जो तुसी समझ रहे हो मैं वो नहीं हां वरदान देना मेरे वास्ते गल नहीं है सानू इस तरह टालो महाराज अति बढ़िया आसा लेके आए हैं तुहाडे बिना साडा कोई सहारा नहीं ओ तो मैं समझ गया कि तुहानू बुढ़ापे भी सहारे दी लोड़ है तुसी जानी जानो महाराज तुहाडे कोल खिच पिया होया हां बाबा जो अखां दे सामने है वो परतख है जो अखां तो ओले है वो सब छुपया है बाबा मुझारता ना पाओ महाराज सानू पुत्र दा दान दियो असि इस संसार तो आंतरे नहीं सौंतरे जाना चाहने इसका मतलब है तुहाडे घर हाली तक औलाद नहीं हुई हाँ महाराज मैनू पुत्र दी दात बख्शो माई पुत्र दी दात ना मेरे वास्ते गल नहीं हाँ मैं तुहाडे धर्म पुत्र बनने तैयार हाँ मैनू गोद ले लो ते सारी उम्र दा पौड़ा गल पा लो भगत जी ए मैं तो वरदान लेना चाहुंदे सन बुजुर्गो ए ने मेरे गुरु ध्यानू भगत ध्यानू भगत जी जी ए ध्यानू भगत ने तू कौन है मैं इनका चेला माधो परे मर भगत जी तुसी बड़े नट कटो पहला कोई तो नौदे कोई दसिया कि तुसी तानू भगत हो बाबा जी तुसा मंदिर का पता पुछया सी तानू मैं पुछ लेता मैं दस दंदा ठीक है बाबा जी तुसी वरदान लैन आए जे पर वरदान तो माता ही दे सकती है पर भगत जी माता की तो भगता नहीं सुनती है साड़ी क्रिश्चियन की कौन सुनता लाटा वाली माता का सब की गल सुनती है बाबा जी पर सुनाने वाले का मन साफ होना चाहिए सन गल टालो भगत जी वरदान देने की कृपा करो बाबा जी माता रानी को वरदान चाहते हो जे परलोक बजुर्ग ने पूछा कि धरती उत्ते पितर पूजा लिए किनू छड़ के आए हो तो दसो अस की जवाब देंगे 70 साल की उम्र हो गई अज तक औलाद का मुंह नहीं देखा पुत्र का वरदान दे भगत जी पुत्र का पर बाबा जी ए हुण होनी गल तां भगत जी कोलों नहीं होनी वे पुत मुंह भैड़ा होए पर बंदा गल ते चंगी करे क्यों क्या अपशकुन करन दे जो महाराज जी कहेंगे असि ओ मनांगे माई लाटा वाली माता आगे तुहाडे लिए प्रार्थना करांगा तुसी भी अरजोई करो माता बड़ी दयालु है तुहाडी पुकार जरूर सुनेगी जय माता जय माता जय माता दी जय माता दी जय जोता वाली थी जय लाता वाली थी जय अंबे जय भक्ता दी जय माता 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 की गल है बाबा पानिया आज तो बड़ा भगत बनया फिर मैं कल तो रब नाल रुकिया फिर दस और जमालिया रब है सौ रब की रब है पर सानू अन्या नु दसदा नहीं एवे गल्ला ही करी जाएगा कि कुछ दसेगा भी और जमालिया चमत्कार होया है तानू भगत दे वरदान नाल ते शेरा वाले दी कृपा नाल अज पाना उतना सोचा हो गया है अज मेरे घर पुत्र जमिया क्या माता दी क्या माता दी अल्लाह दिया अल्लाह जाने भाई
ਤਾਂਡੀ ਜਾਨੇ ਛੱਡ ਮੈਂ ਮਾਨੂ ਤੇ ਫੜ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮਾਣੀਏ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਛਾਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਨੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਏ ਜੰਬੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਏ ਜੰਡਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਦੁਆਰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਆ ਜਾ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਛੁਰੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲਦਾਰ ਬੇਬੇ ਤੇਰੀ ਮੰਗਦੀ ਏ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਕਾਣੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਗੋਰੀਏ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਭ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਨਿੱਤ ਯਾਰ ਬੇਬੀ ਤੇਰੀ ਮੰਗਦੀ ਏ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਅੜਿਆ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਏ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਕਾਣੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਗੋਰੀਏ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੇਬੀ ਤੇਰੀ ਮੰਗਦੀ ਏ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਅੜਿਆ ਚਕਾਣੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗੋਰੀਏ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆ ਬੇਟੀਆ ਆ ਜਾ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਡਰਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਵਾਂਗੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਖਾਏਗੀ ਬਰਫੀ ਖਾਊਂਗੀ ਬਰਫੀ ਬੇਟੀ ਬਰਫੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁੜ ਖਵਾਵਾਂਗੀ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗੀ ਸ਼ੱਕਰ ਖਾਊਂਗੀ ਸ਼ੱਕਰ ਖਾਏਗੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਖਵਾਵਾਂਗੀ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਖਵਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹਰ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹਾਂ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਖਾ ਹਾਂ ਖਾ Thank you.
ताकि मैं बलि चढ़ा सका। बाहर कौन आया? मैनू मारेगा ते नहीं? तेन तो नहीं मारेगा। इधरा इधरा इधरा, तू इंज कर, इस टोकरे थले लुक जा है। जिस वेले ना वो लोग अंदर टूर जाएंगे, तू हौली जाई बाहर दौड़ जाए। अच्छा मां मां मां, तू बुआ क्यों नहीं खोल दी? आई पुत्र आई। मां जी ऐनी काबरी क्यों जे? नहीं मैं तो चंगी पलिया, तेनु तो एवं इंज लगता है। सुन दमो, मैं एक टोकरा पटिया से मजनू पावा, बेचारी सवेर की भुकी होगी। चंगा पा। नहीं नहीं नहीं, मैं पटे मां जगह पाए। हाँ पाए पाए। पर मां पटे तो कुआने च उसी तरह पाए ने। हां वो तो मैं खेतों विचो सजरे लांदे सी। हां पर टोकरा तो कुआने च रख दिया, इथे क्यों मुदा मार रहा है? बेटा नहीं, तू थक गया है, जाके अंदर आराम कर, मैं आप ही रख लवांगे। चल चल नहीं बेटा, चोरी नहीं की। मेनू मान लेना, मैं चोरी नहीं की। चाची ने मेनू शक्कर खिलाया। इस कुड़ी ने टोकरी थले की छुपाई सी? ए किसकी कुड़ी है मां? ए तो उधरली पत्ती वाली मुकन दी कुड़ी है। तू बोल रही क्यों नहीं? तू मां नहीं डायन है, डायन। अपना घर बसाओ नहीं दूसरे का घर उजाड़ में कितनी ममता है। ऐसा कितनी बार कहा कि हम जब बात करके सानू औलाद नहीं चाहिए। काश कि तू मेरी मां ना होंदी। गलती तो इंसान को हो ही जाती है। मां जी अगो तो है जा कम नहीं करेंगे। हुन तुसी जाओ, इस कुड़ी ने ओदे घर छड़िया। जाओ ना। डोली का वेला हो गया, पर अजे तक ध्यानू नहीं आया। मैं उन्हें देख के आना। नी दस नूरा, सोए जाके सानू फूल से नहीं जाएंगी। नी नूराए पुरानी रीत किस तरह भूल सकती है? आज तक तो यही हुंदा आया, कुमारियों का सहेलपुना व्याह हुंदे ही टूट जाता है। नहीं नहीं पारो, साडा सहेलपुना कभी भी नहीं टूटेगा। भगत जी तो मंदिर चो यही कह के निकले सन के वो तुहाडे वाल ही जा रहे हैं। जा रहे हैं नहीं, आ रहे हैं। आ गया है तुहानू बेटा? हाँ मामा, किथे है साडे लाडो पैण नूरा? आ जाओ तेरी ला देख लीजिए, आ जा। नूरा धीए, तेरा धर्म भरा आ गया। लै भैणा अपने सन्यासी भरा का तोहफा, ये माता का प्रसाद है, सदा को रखी सुख शांति रहेगी। आहा कितनी सोनी चुन्नी है, उत्ते ले ले। डोली का वेला हो गया, चलो उठो छेती करो। साडे पिंड दी लाडली थी रानी, पेका छड़ के आज ससुराल चली, बाजे गजिया टोल टमकिया च, रोंदी होई भी शगुना नाल चली, साडे पिंड दी लाडली थी रानी, कुलम राजिया रखना लाज साडी, पर्दा असा गरीबां दा तकना जी, साडे इस कलेजे दे टुकड़े न
के नाल कलेजे दे रखना जी तेरी जिए जोड़ी चार जुग तोड़ी तेरे जाग दे रंग पागतिए जांदी वार दी साड़ी अच्छी सुले जा सुहाग जीवे तू जीवे ते तेरा सुहाग जीवे तू जीवे ते तेरा सुहाग जीवे सरदार ये मेरा सब तो प्यारा दोस्त है जे तुसी तैनू कोलों मेरी बेइज्जती का बदला ले दोगे मैं सारी उम्र थोड़ा पानी भरांगा और तू फिक्र ना कर मुंडिया इस इलाके में साडा राज है ते असी किसी नाल बेइंसाफी नहीं होन देंगे तेरी मंगेतर तेरे घर आएगी अवश्य आए ते जे उस सन्यासी ने साडे काम में टंग अड़ाई तो असी उन्हें हरिद्वार भेज देंगे चंगा सरदार हुण असी चलदे आ क्योंकि जेड़ी जाए तुसां लुटनी है उस कई आदमी सानू पछाण लैणगे और तुसी मुंह ते कपड़े बन्नो तुहानू कोई नहीं पछाणेगा ते नाले मेरे जवाना वाला अख चुके वेखण दी हिम्मत की दी है होशियार होशियार रुक जाओ पर रुको यार ये तो पोले दी आवाज है और रुको किथे भजी जाते हो है? ओ यार डोली तो हारण दो है और डोली दे नाल गबरू जवान लाड़ा ते उन्हां दे साथी जो है ते नाले इत्थे कहिंदा डाका पै चलिया चलो चल के जश्न मनाने आ चलो बकी तपेला भी चलना है दी सुखी जड़ी कमरोर वो छेती करो जानता पिंड भी पहुंच गई होनी है वो एना काल आना पै जिथे एने साल लंघ गए चार घड़िया और सही तुसी फिक्र ना करो जी असी हुणे ही पहुंचे हां चाल पढ़ लो जरा मुंडा काला पै जांदा है डोला थले रखो खड़किया जा जानिए को नकदी ले परमिया कुड़ी के गहने ला ले और क्यों भाई जानिए कुछ माल वाल है कि नहीं और तुर फिटे मुई और क्यों भाई ला लिया तेरे को हां तेरे को तो है और खुश किता ही उतार गए उतार छेती कर छेती और ही उतार छड़े चुनी अरे बन लीए हट नहीं 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 वीरा है चुनी ना ले तो फतेह त्यानु भगत ने हमेशा मैंने अपने कोल रखने लिए दिता सी बनना भगत ते तोहफे देने कुड़ियां नू उस पखंडी दे वाल भी सानू कढ़ने पैने सरदार वो तो पक्ति मुटियारां दा है रहन दे बेचारे को यार भगत दी निशानी यार जदों असां भगत ही नहीं रहन देना ताहे उस दी निशानी नू की करेगी या अल्लाह देवी दे भगत ते इहो जे नीच लोकां दीआं तोहमतां बुला ले हुण भगत यार नू सानू भी ओहदे नाल थोड़ा जिहा कम है देवी मां Ha 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 ha
सन्यासी साढ़े नाल लड़न आए जे आओ आओ जी आया नू सरदार ए तो तेनू त्यानू ने वो चंगा होया तेरा काम भी लग गया थो जाऊ भगत्या जाओ इन्हां नू खत्म कर दियो अच्छा जी चलो ओए ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਤਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ
ਨਾਲ ਚੁਪੋ ਸਾਥਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਵਾਲਾ ਮਈਆ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਪੁਛਾ ਲੈਣਾ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਮਾਂ जान बचाओ तो भजो इतो चुंड मुंड पर चुंड चुंड मुंड पर चुंड बस बस पुत्र बता काला ना था तेरा शिकार आने वाला बाबा हो गया वेला तैनू ध्यान दा ओ भी बड़ा जादूगर ही जरा होशियार रही जे अज तू तैनू ने खत्म कर देता ते मैं सारी उम्र तेरी गुलामी करांगा आओ आंदा जे तैनू आ तुसी फिकर ना करो मुड़ियो मेरे इस नाग ने त्यानू दा जादू नहीं चलन देना एदा दंगना लगा एक पास से इन्हीं पूर्ण वाली आदमी सर के सो हो जाए हो जा फिर अगे ओए अपन जरा ओले हो जाइए चल चंगा फिर देख तमाशा चल चर बली की गल है भगता इस नाग नु क्यों फड़िया होया ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਗ ਬਹੁਤ ਦਿਨੋਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਪਿਲਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਗ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਏਗਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਰੀ ਚਰ ਬਲੀ ਸਨਿਚਰ ਬਲੀ ਬਚਾ ਲੋ ਬਚਾ ਲੋ ਮੈਂ ਮਰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਟੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲਿਆ ਸਨਿਚਰ ਬਲੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਪਿਆਉ ਮੈਂ ਮਰੀ ਜਾ ਜਾ ਪਿਆਉ ਸਨਿਚਰ ਬਲੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ जय माता जी कुड़ी नहीं आई भगत दे आउन तो पहला कंजका नु खुवा लेंदे ते चंगा सी मैं हुणी जाके ले आना तू जो कुछ मर्जी कर ले पर सुके रुख नु फल नहीं लगना मैं तुसी ने दमो दो नाके दम किता होया जदों दी बेचारी इस घरे च आई है खुशी दा एक दिन भी ते इन्ने भी केड़े कोई घर नु पाग लाए होए ने जिदी मैं दुहाई देंदी फिरा तू आगे बनी चल 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 ने मुन्ने तू फिर सो गई है चल जल्दी उठ दमो ने घर नहीं जाना चल मेरे पुत्र चल शाबाश जल्दी कर चल त्यानो वक्त हले तक नहीं आए तेरा व्रत तो उन्हें नहीं खोला सी पता नहीं इतनी देर क्यों कर दीती ए मुन्नी ओए 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 मुन्नी सुती रही तुहानू बाली उड़ीक तो नहीं करनी पई ए सुती रही हाँ सुती रही तो फिर वो कौन सी बिना जोता वाली माँ दे होर कौन हो सकता है जय जय माता दी भगत जी वो कुड़ी मैनू अम्ब दा फल दे गई है दमो ये अम्ब दा फल माता ने तेनू पुत्र दा वरदान दिता है जय माता दी भगत जी तुसी तो मेरे घर नू पाग ला दिते ने मासी
पैर मेरे नहीं जूता वाली मां दे फड़ो। जय माता दी, जय शेरा वाली दी, माता दी जय शेरा वाली दी, जय जूता वाली दी, जय जूता वाली दी। तू तो चौपी वट के बह गया यार, एडी कड़ी अफसोस वाली गल है। बनता लगता तैनू ने साडे काबू नहीं आना, असि सारिया खेड़ा खेड़ के देख लई है, हुण साडे कोल इको दा बाकी है। ओ केड़ा? उन्नू सुत्ते होए नू मार देईए, जागदे नू मारना तो साडे बस दी गल नहीं है। ओ जद उखली सिर दिता तां मोहरां दा की डर, मैं तेरे नाल हां। तो फिर हो जाए रात नू। हो जाए पक्का? पक्का है होई ना दोस्ती। गुरुदेव माधो इन चुक के चाची रामक से कर ले चल। चंगा जी। प्रसाद सतीश नूं दिओ। जय माता दी। सतीश पुत्र ला प्रसाद। मां जी ए केड़ी जगह है, मैं किथे आ गया? तू अपने घर च पुत्र, तैनू बेहोश होए नूं माधु चुक लिया सी। मां जी मेरे तो उपकार करो, किसी तरह मैनू मेरे पिंड पहुंचा दो। पर पुत्र इह तेरा अपना ही घर है। मैं इस वेले बहस नहीं करना चाहुंदा मां जी, मेरे भेजन का प्रबंध कर दो। चंगा पुत्र। भगत जी तुसा मेरे ते दूजी बार एहसान किया है, यह उन्हों का दूजा जन्म है। पहले जुबान दिती ते फिर जान दिती। भोलिए भैने
तुम्हें तो त्यानू अखा की रोशनी दीती सी। जे मंदिर एकादशी वाले दिन उस जहरीले कीड़े नू मेरी अख विचों कढ़ के फूका ना मार दी तो अज मैं अखों अन्ना हुंदा। याद है मैं कहा सी कि जिंदगी विच तेरे लिए औखे तो औखा काम करने लिए तैयार रहूंगा। वैसे भी भरा पैना लिए औखे तो औखा काम करने लिए तैयार रहने ने। हाँ हाँ इस विच की शक है, जो सहुरे जावेगी उदो भरा की लोड़ ज्यादा महसूस करेंगी। पर वो तो तुहाड़ी जान दे दुश्मन ने। यह गल मेरी समझ च नहीं आई कि सतीश मैनू मारना क्यों चाहता है। सुने तुसी उसके पिता नु आशीर्वाद देने नहीं गए, इधर वो तरले करता रहा ते उधर उस बेचारे का पिता उसनु बिना मिलिया ही सुर्गवास हो गया। ये झूठ है, इसलिए सतीश मेरे पास कदे नहीं आया। उदो नहीं आया सी, पर आज आया भगत जी। मैं पापी हाँ, मैं पापी हाँ, घोर पापी हाँ। मेनू क्षमा करो भगत जी, मेनू क्षमा करो भगत जी, मेनू क्षमा करो भगत जी। मैं पापी हाँ, मैं पापी हाँ, मेनू क्षमा कर दो। क्यों मेरे सिर भार चाह रहा सतीश? झुकना तो कुड़ी वाले नूं पैंदा है, उठ दे गले मिल। वेख की रहा उठ। हां मुंजी जी सब की याद कर लिया। पर तैनू एडे छेती सब की याद करने की लेके आया सी? पर मुंजी जी तुझे तो सुते पाए सी। अच्छा मैं सुता पाया सी, पर मैं इतने सोना है कि पाना है? जा सब याद कर चल। पर मुंजी जी सबक तो मैं याद कर लिया। हूं मेरा खड़ा भी छेड़ेगा कि नहीं? चल सब तो कर। इधर आ, इधर आ, इधर आ। की खाना वा? मूंगफलिया। मूंगफलिया कितने? मूंगफलिया कितने लिया? चल मूंगफलिया कर 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 कर। वो टोपी च लई बैठा कदमा सुन, मैं करू मैं तुम्हें सीधा। अज तू मुड़ के जमात च मूंगफलिया लिया खादिया तो मैं मार मार के पा दू तू जब आ जाए तो आया सारे पट्टे। हां भी कुतबू ए दस बई दीने लाई का की मतलब होंदा है? मुंशी जी दीने लाई का मतलब है खुदा दा मजहब। गलत। हां भाई धर्मू तू दस दीने लाई का की मतलब है? दीने लाई साडे शहनशाह अकबर दा मजहब है। तू भी गलत है। हां भी बशीर तू दस सकदा है कि दीने लाई का की मतलब होंदा है? मुंशी जी दीने लाई उसका धर्म है जो कि अपने बादशाह चार चीजा नालों वड्डा समझे। केड़िया चार चीजा पुत्र? अपनी जायदाद, धर्म, अर्थ ते जिंदगी। ठीक है शाबाश बैठ जा। ए ने चार चीजा जेड़ा इंसान अपने आप बगैर किसी दे कहन कारण ते ए चार चीजा बादशाह दे उत्ते निशावर करनू तैयार रहिंदा है ओही सच्चा दीने लाई कहाउंदा है। इसलिए बच्चो साडा सारिआं दा फर्ज है कि आपा बादशाह दा कहना मनिए। शहीद तरमू कुतबू कितने पजे जाने हो? बेड़ा गर्क बच्चा नु पढ़ाई नालो तमाशा बड़ा प्यारा होंदा है। एक उड़ा रौला पाई जांदे सिखा पना की जमाना आ गया।
ये पागल लोग ना दीने लाई सीखे ना सीखन देंगे, ये पखंड खत्म करना ही पऊगा। बादशाह सलामत नु खबर करते हैं। जहां अपना रुदू झूठ बोलता है, मैनू इन्हें कोई अशरफियां नहीं दिखाई, नाले ते हाइक ते जान जोगे पैसे नहीं सन, ते फिर 1000 अशरफियां कोल कित्थों आईयां। जो तू गनू अशरफियां दित्तियां उदों उत्थे कोई गवाह सी जां तेरे कोल कोई कागजी सबूत है? हजूर, सबूत ते मेरे कोल कोई नहीं ते ना ही कोई गवाह है। बीरबल, इस मुकदमे का फैसला तुसी करो। जो हुक्म आली जा रोल दू जी। तू जदों गनी नु अशरफियां दित्तियां उस वेले उत्थे कोई ना कोई तो होना है, पशु पक्षी रुख दरख चंगी तरह याद कर। हजूर, उत्थे पशु पक्षी ते कोई नहीं सी, इनू मैं अशरफियां एक अंब दे बूटे दे थले दित्तियां सी। बस मिल गया गवाह, जा अंब दे बूटे नू कह इत्थे आके गवाही देवे। पर हजूर, अंब दा बूटा इत्थे आएगा किवें? अदालत नाल बहस करी दी, जा जाके अंब दे बूटे नू कह तैनू बीरबल ने दरबार बुलाया है। पर हजूर, जाके उनू मेरा सजा दे ते जेड़ा और जवाब दे वो इत्थे लैके आ, दौड़ के जा ते दौड़ के आ। जा भी। ने बड़ी देर लाती है, दरबार की सारी कार्रवाई रुकी पई है। हुजूर, तुम दरबार की कार्रवाई जारी रखो, रुल्दू एडी छेती नहीं आ सकता। क्यों क्यों नहीं आ सकता? हुजूर, वो जगह इतों बहुत दूर है। बहुत दूर है, जहाँ अपना गनी हुक्म फरमान के रुल्दू दिया 1000 रुपया वापस कर देवे ते एनू दरबार झूठ बोलन की सख्त तो सख्त सजा दी जाए। माई बाप, मैं तो अशरफियां लईयां ही नहीं ते ना ही कोई गवाह है। कुछ मुकदमे एहो जे भी होंदे ने के जिना दे फैसले सच्चाई दी नीते बगैर गवाहियां करने पैंदे ने। जे तू रुद्दू कोलो अशरफियां नहीं लईयां तैनू किस तरह पता है कि अंब दा बूटा इत्थों बड़ी दूर है? बीरबल जी, मैनू माफ कर दियो, मैं लाले जाके झूठ बोल गया सा, मैनू बख्श दियो, मैनू बख्श दियो। गनी दी सदा है इस कोलो रुद्दू नू 2000 अशरफियां दिलवाईयां जान। सिपाहियो, ले जाओ इस छूटे नू। हुजूर, माए बाप, मैं गरीब आदमी, 1000 अशरफियां वादू कितों देवां? उठो, एक ते तू लेके मुकर गए, पूरे 1000 अशरफियां लोगों का माल, भाई का माल समझते हो? जग वाल हजूर आला शहनशाह हिंद जिले लाही जहां अपना मैं बुल्लापुर पिंड दे सरकारी मदरसे का मुंशी हां ते तुहाडे पास एक फरियाद लेके आया हां। बयान हो। जहां अपना जान की सलामती चाहता हां ते दीने लाही की तरक्की चाहता हां। बस यही फरियाद है आली जा, ए ना चीज मुंशी बच्चा नू ज्यो ज्यो दीने लाही की तलीम सौदा है त्यों त्यों तुहानू भगत एक बुत प्रस्त बंदा बच्चों के दिलों में माता जोता वाली भी महंगा पा रहा है। त्यानू भगत कौन है? पहले भी मां बदौलत ने इसका नाम सुनिया है। आलमपना, इस भगत की लोकाच बड़ी चर्चा है। जिले इलाही ये दीने इलाही दे राह च रोड़ा जे, इस नू हटाओगे ताइयों साड़ी सिर खपाई का कोई सिट्टा निकल सकता है। दूर मुंशी जी, महसूस हों तुसी बच्चों नू पढ़ांदे पढ़ांदे थक गए हो। नहीं नहीं हजूर, एक गल नहीं, मैं तो चीकनी मिट्टी का बनया जी, एक बार चिंबड़ जाए तो छेती ना ले ली नहीं। तो फरियाद क्यों? वो इसलिए आली जा कि तैनू वर्गे मशहूर बंदे नू फड़ के दीने लाई विच लियाउण नाल अपना काम आसान हो जाता है। मुंशी, मुगलिया दरबार के उसूलों नू तोड़न की कोशिश ना करो। तुहानू पता होना चाहिए है कि दीने लाई किसी ते जबरदस्ती थोपिया नहीं जा सकता, किसी भी मजहब के खिलाफ वर्तिया नहीं जा सकता। गुस्ताखी माफ जहां अपना, क्यों ना त्यानू नू बुला के समझाया जाए, हो सकता खुशी नाल दीने लाई कबूल कर लवे। इस गल की इजाजत है, त्यानू भगत नू बाद अब बुलाया जाए। जो हुक्म।
जग तेरे मंदिर आयो तोली मां जग तेरे मंदिर आयो जी पहुंचे त्यानू भगत जिदे हाथ भी तरसूल है त्यानू भगत रुक जा मैं शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का फरमान लेके आया फौजदारा की फरमाते हैं साडे बादशाह तुहानू ऐसे वेले दरबार विच हाजिर होने लिखा है पर असी तां सारे यात्री दरबार विच ही जा रहे हां उस लाटा वाली मां दे दरबार विच उस तो पहले तुहानू बादशाह दरबार विच जाना पेगा आ नहीं हो सकता बादशाह साडी यात्रा च विघन नहीं पा सकता यात्रा से जाओ त्यानू सारे लग जाएगा असी भगत जी तो अलग हो गए यात्रा से नहीं जा सकते कहां फिर ऐसे इंतजार करो जो त्यानू बादशाह मिलके वापस आ जाए फिर यात्रा से जाना नहीं 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 हो सकता तो है हिम्मत बादशाह जी हुक्म दूजी करते हो सब नुकाल कोठ विच बंद कर दंगा फौजदार जी तैश बचाउण दी लोड़ नहीं ये सारे जानते ने कि इन्हां दा बादशाह बड़ा दयालू है वो प्रजा से सख्ती करने का हुक्म कभी नहीं दे सकता ओए बहुत प्रस्त इंसान सीतरा साढ़े नाल चलना है कि दूसरे टांगा लेके चलिए फौजदार जी तुसी जबरदस्ती करके तो दिखाओ सतीश तुसी माता दे दरबार पहुंचो मैं बादशाह दरबारों होके तुहाडे कोल पहुंचांगा पर भगत जी ए तो जाती है नहीं सतीश उस सच्चे दरबार विच तां साडियां भुलां माफ हो जाणगियां पर झूठे दरबार विच बिना भुलां भी सजावां मिलदियां ने क्योंकि दरबार हमेशा रहण वाला नहीं इसलिए अपना डेरा कूच करने तो पहला सारे काम कर लेना चाहता है जय माता दी जय करो फौजदार जी चलो त्यानू भगत आप अदालत तो सुनिया है कि पिंडा विच तुहाडी बड़ी चर्चा है लोग तुहानू पैगंबरा दी तरह मनदे ने शहनशाह नू इस विच मेरा कोई दोष नजर आ रहा है महाबदौलत ने तुहानू दोषी समझ के नहीं हितैषी समझ के बुलाया है गुस्ताखी माफ जहां अपना ऐस बुत प्रस्त ने जो शाही दरबार के खिलाफ लफज कहे ने ये इजाजत होवे ते बयान करा नहीं फौजदार भगत के खिलाफ महाबदौलत कोई तोहमत नहीं सुनना चाहते शहनशाह हिंद फौजदार जो दसना चाहता है मैं खुद बयान कर देता हां जो उस विच मेरा कोई दोष होवे तां सजा भुगतने लई तैयार हां मैं लाटा वाली माता दे दरबार नूं सच्चा दरबार कहंदा हां जो कि सदा रहण वाला है ते शाही दरबार नूं झूठा दरबार कहंदा हां क्योंकि ये सदा रहण वाला नहीं तैनू भगत महाबदौलत ने तैनू इस लई बुलाया है कि तू दीन इलाही अपना के अपने शहनशाह दी मदद कर इसका मतलब मैं समझा नहीं शहनशाह महाबदौलत चांदे ने क्यों ना दी रहा है फिका परिस्थिति तो छुटकारा पावे अलग अलग धर्म छटके दीने लाई अपनावे पर दरबार वालों जबरदस्ती नहीं की जाएगी शहनशाह हिंद प्यारे पले लिए सोचना तेरा काम है पर विदा सोच तेरे पले लिए सोचना किसका काम है मैं उसका भगत हां जिसका काम सारी लुकाई दे पले लिए सोचना है चल मेरे नाल ते दर्शन करके अपना जन्म सफल कर ले बादशाह महाबदौलत का ख्याल सी कि तैनू भगत भगत कबीर वर्गा होवेगा भगत नामदेव वर्गा होवेगा पर अफसोस तैनू तक घमंडी है इसते घमंड नू तोड़ना पवेगा
तेरे दरबार लेके आया मैं पुकार माँ तेरे दरबार लेके आया मैं पुकार तू मंगा पहली बार जोता वालिए नीलाटा वालिए माँ जोता वालिए नीलाटा वालिए माँ तेरे दरबार लेके आया मैं पुकार तैथों मंगा पहली बार जोता वालिए नीलाटा वालिए माँ जोता वालिए नीलाटा वालिए तूफान दे किरिया बेड़ा किरिया बेड़ा तेरे बिना मेरा दर्दी केड़ा दर्दी केड़ा बचड़ा तेरा बचड़ा तेरा अर्दा करदा ला दे पुकार जोता वालिए नीलाटा वालिए माँ जोता वालिए नीलाटा वालिए पुकार जोता वालिए नीलाटा वालिए माँ जोता वालिए नीलाटा वालिए जगदम्बे हे महामाया हे महामाया सिर दे बल मैं चल के आया जे तो अजना जे तो अजना गोड़ियों माता तीस दिया ले पुकार जोता वालिए नीलाटा वालिए माँ जोता वालिए नीलाटा वालिए माँ तेरे दरबार लेके आया मैं पुकार तैथों मंगा पहली बार जोता वालिए नीलाटा वालिए माँ जोता वालिए नीलाटा वालिए माँ जोता वालिए नीलाटा वालिए माँ जोता वालिए नीलाटा वालिए बिन दर्शन कीते अमर जन दर्शन दे दे माँ अज अपने लहू बिच तर जंग दर्शन दे दे माँ सिर कट के चन्नी दर्शन दे दर्शन दे दे माँ दर्शन दे दे माँ दर्शन दे दे माँ दर्शन दे दे
हाल है भाई? ए, ए, कटा सर अपने पिता जुड़ गया ऐ तो भक्ति की शक्ति है भाई माता दी या माता ही जाने ना ये इतना लाटा वाली दा ही चमत्कार है माँ तू मेरी अर्जोई सुन ली मैं तन हो गया माँ तन हो गया मैं तन हो गया उठो त्यान माँ अकबर बादशाह ने मेरे कोड़े मरवा दिता है वो तेरे पगत की परीक्षा लेनी चाहता है माँ बादशाह मंडी है अत्याचारी है वो मेरी नहीं तेरी परीक्षा लेनी चाहता है माँ त्यान चंगे इंसान का काम है सच्ची मार्ग पे चलना कर्म कर दे जाना किसी नाल वैर विरोध ना रखना पर मां मेरा कोड़ा तू जिंदा है ला 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 दर्द कोड़ा जिंदा हो गया कुतबुद्दीन असी मारे गए अलमला ने कहा थी कि कोड़ा जिंदा हो जाए तो मैनू फौर ने तला देना तो मैं तेरे को कहना था वारी वारी सो लेने तो तू कहने से कभी मुर्दे विच भी जान पै सकती है ओए कुतबू जड़ी अनहोनी गल होनी सी हो गई हुन ऐ सोच कि असी अपनी जान किस तरह बचाइए ओए झूठ बोल जाएंगे कहेंगे साडे सामने जिंदा होया वाह कुतबुद्दीन वाह ऐ होई ना गल पर यार कुतबू जे उन्होंने सानू पूछा कि कोड़ा जिंदा किस तरह होया पहले सर उठिया सी कि तड़ फिर असी की जवाब दांगे ओए कहेंगे दोनों कठे उठे सी उल्लू दा अठा ना होवे ता ओए कटिया होया सर किस तरह उठ सकदा ओए जिस तरह कटिया होया तड़ उठ सकदा तू इंज कर तू कहीं मैं सुता होया सी कुतबू ने सब कुछ वेख्या ठीक है बाकी मैं संभाल लांगा ठीक है बिल्कुल ठीक आ जा चल ओए खोतिया तू मैनू बेवकूफ बना रहा मेरा तू पता कटवाना चाहना मैं इतने प्यारा दिन आया थी या सोना आया थी ओए असी फौजदार नु कुछ भी कह देंगे अगे वो आपे संभाल लेगा ठीक है हाँ ऐ ना गल फौजदार जी बुआ खोलो फौजदार जी खेती खोलो फौजदार जी देव लाओ फौजदार जी ओए की होया क्यों रोला पाई जांदे हो फौजदार जी तैनू दा कोला जी पिया दे इना इनक दा सुत्तिया नु भी जगा दंदा है ओए ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਐ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਕੋਲਾ ਹਿਲਕਦਾ ਬੜਾ ਜੇ ਹਿਲਕਦਾ ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਿਲਦਾ ਬੜਾ ਜਾ ਮੈਂ ਕੋਲਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਸਿਰ ਅੱਡ ਪਿਆ ਸੀ ਧੜ ਅੱਡ ਪਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਖੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਖੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਸ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋੜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਤੜ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਨ ਉਹ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਖੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਪੀਆਂ ਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ खड़ा ते उसी तरह होया जिस तरह मैं बयान किया है बाकी जिंदा किस तरह होया तुम फजलू दसेगा मैं सुता पिया हजूर कोड़ा हिण क्या तेन आख्या ऐ जागता पिया इन्हें सब कुछ देखा जे इन पुछो अच्छा तू सुता पिया हां तू जागता सी तू दस की वेख्या हजूर मैं वेख्या इस पासे ताड़ पिया इस पासे सिर ते फिर असी तुम नमूना खिंच के विखा देने आ जा फजलू कोई मरवाना दे कोई आ जा आ जा फजलू तो उठे जाके कोड़े का सिर बन जा हजूर है हो गया कोड़े का सिर अच्छा मैं हो गया कोड़े का ठीक है फजलू तैयार हजूर तुसी सियाणे हो आप ही समझ लो साडे लिए दसना बड़ा मुश्किल है आज ही बड़ा मुश्किल है बाकी कोड़ा जिंदा हो चुका है खड़ा हो चुका है वो किस तरह हो है इस गल ते मिट्टी पा दियो ਪਰਵਤਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਸਵਾਪ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਕ ਚਲਾ ਦੂਗਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਫੌਜਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਘਬਰਾ ਨਾ ਫੌਜਦਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਓਏ ਗੱਪੀਓ ਜਾਓ ਕੋਲੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ चमत्कार ने महाबदलत के इरादे नूटा देता है
ते सोचन लही मजबूर कीता है कि वाकई त्यानू भगत दी जोता वाली माता विच शक्ति है। जहां अपना जान दी सलामती जाना जे शहनशाह ने इस जादूगरी नू मन लिया ते दीने इलाही दी तरक्की नामुमकिन है। फौजदार सच्चाई नू छुटलाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। जहां अपना सुने माता दे मंदिर विच कोई जोतां जगदियां ने ते सारी जादूगरी ओ जोतां विच है, जे ओ जोतां बुझातियां जान ते चमत्कार नहीं हो सकता। फौजदार तुसी जिस चीज नू जादूगरी कहंदे हो महाबदालत उस नू शक्ति कहंदे ने। याद रहे जादूगरी ते शक्ति विच एना फर्क है जिन्ना रात ते दिन विच। जहां अपना सानू अपना शक दूर करने की इजाजत दी जावे, जे जोतां बुझन दे बाद ही त्यानू दी माता दा चमत्कार इस तरह चलदा रहा तां असी अपनी हार मन लवांगे। इस मसले विच कोई कुछ कहना चाहता है महाबदालत बाखुशी सुनेंगे। ठीक है फौजदार तुसी अपना शक मिटा लो, पर ध्यान रहे मंदिर विच मंदिर के उसूलों का ख्याल रखा जाए, पवित्र स्थान की बेद भी नहीं होनी चाहिए। क्यों हुक्म हजूर? माता जी। मां सानू जान दी आज्ञा दे ते आशीर्वाद दे कि अगले साल फिर आके तेरे दर्शन करिए। अगले साल तनु इत्थे आउण दी लोड़ ही नहीं पेगी। कौन फौजदार तुसी मेरा घोड़ा लेके आए जे? ओए तनु किसरा पता लग गया कि तेरा घोड़ा जिंदा हो गया? मैं समझा शायद तुसी इसे करके आए हो। असी ये पखंड हमेशा हमेशा वास्ते खत्म करना आया। सिपाहियो बुझा दो जोता। फौजदार जी ए जोता बुझाने तवियां दी लोड़ नहीं हैगी, असी फूका नाल ही बुझा देंगे। आओ पहले अपनिया जुतियां उतारो फिर मंदिर भी जाओ। थले गपियो जुतियां लाओ अंदर जाओ जल्दी करो। लग गए जुतियां, चलो भाई अंदर। आ जाओ फजलू कटिया फूका मारनिया पैनिया शुरू हो जा। ठीक है जी तवे वाली काम बनेगा लिया तवे। भगत जी ये की अनर्थ हो रहा है? शांत पुजारी जी शांत। अजलू तवा तो बिल्कुल ठंडा है। फौजदार जी जोता तवे बाहर के ऊपर आ गए जे। ओए की करते हो? जय जोता जी। पानी 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 मिल गया। हाथ हाथ लो हाथ लो हाथ लो। ठंड पै रही है कहीं ना ठंड। कुतबे तो चंगा होया पानी मिल गया, नहीं तो हाथ दी बीन वज जानी सी। नहीं तो ठंड। ठंड पै गई। किन्ना सोहना ते ठंडा पानी है। फौजदार जी नहा ना लिए? ना नहीं ऐस पानी च नक डोब के मर जाओ। खोते सिपाही ऐस पानी का रुख मंत्र वाल मोड़ दो। फौजदार जी इना जुल्म ना करो, नदी के पानी भी तो मंदिर ही रुट जाएगा। और रुट जाए तो रुट जाए, मैं जोता बचा के जाना। पुजारी जी
क्यों पत्थर मत्था मार रहे हो? माता पे भरोसा रखो, जोता वाली अपने मंदिर की रखवाली आप करेगी। जल्दी करो और आओ, जल्दी करो, जल्दी। जय ज्योता वाली दी, जय ज्योता, जय माता दी, जय ज्योता वाली दी। नाश करने वाली माता दे मंदिर नु बचाओ, पानी नु बंद मारो। बदलत दे वजीरा नु खाला भी शक है। अफसोस ए वजीर, अपने बादशाह नु इस मसले विच सही राय नहीं दे सके। बीरबल तू क्यों चुप है? तैनु तो जोता वाली माता की शक्ति बारे ज्ञान होवेगा, तू क्यों नहीं अपने बादशाह इस तू जाणू करवाया? जहां पना इधर बादशाही ताकत, उधर माता की ताकत, बंदे ने चुपरान जी भला समझिया। महाबदौलत अच पहली बार महसूस कर रहे हैं कि बीरबल वर्गा दानिशमंद वजीर बुजदिल है। जहां पना मेरी चुप बिच बुजनी घट ते दानिशमंदी ज्यादा सी। इस बयान की पुष्टि लई कोई ठोस दलील? जहां पना जे मैं उस वेले मां की शक्ति के बारे च कहंदा ते मेरे सरकार मेरे ते शक करदे, जे मैं मां की शक्ति के बारे च इनकार करदा ते झूठा बंदा ते मां के दरबार चो धक्के खांदा। इसका मतलब है कि माता विच शक्ति है। महाबदौलत है ऐलान करन विच खुशी महसूस करते ने कि असि खुद माता के दर्शन करन चलांगे आज ही इसी वक्त। शक्तिशाली एक बादशाह गल विच पल्ला पाके आज सच्चे दरबार च चलिया अपना शीश झुकाके। नंगी नंगी पे सेवा अकबर आया, नंगी नंगी पैरी हो आया, मेरी माँ तेरे दर्शन नू नंगी नंगी
संगी पैरी सेवा अखबारी आया नंगी नंगी पैरी हो आया मेरी माँ तेरे दर्शन नंगी नंगी पैरी सेवा अखबार जी मंदिर की सफाई सुई का काम तो सारा खत्म हो गया और तुम पुजारी जी को वापस जान की आग्या ले लो इस साल कुछ ज्यादा दिन लगे ने गुरुदेव 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 अकबर अपने लश्कर के नाल मंदिर वाल आ रहा है गुरुदेव जय माता दी जय लाटा वाली दी माधो मैं क्या सी ना अकबर बादशाह अहंकार जरूर टूटेगा वही होया देख लो जय माता दी जय माता जहां पना उस पासे आइए 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 जी आया नू माता दे दरबार दे विच आइए जय माता दी जय माता दी मां आज तक तेरे कई भगत होए होंगे पर जलालुद्दीन अकबर वर्गा कोई नहीं होगा मैं तेरे वास्ते सब तो बड़ा सोने का छत्तर लेके आया मेरा की दोष है मां मेरे नाल ये बेइंसाफी क्यों कि तेरे द्वार ते इको धर्म वाले आ सकते नहीं शहनशाह हिंद माता दे द्वार ते हर उस बंदे का स्वागत है जिस विच हंकार ना होवे क्यानू भगत माता ने मेरी भेंट नू ठुकरा के एक शाही छात्र फकीर बना दिता है तुसी मेरे लिए फरियाद करो माता को खिम्मा बख्शाओ शहनशाह माता दे दरबार विच अमीरी गरीब भी इको पल्ले तुलदे ने हंकारियां दा नाश करना पुल्लियां नू राह पाउणा माता दा कर्तव्य है तुसी खुद हंकार परे लफ्ज बोलन दी खिमा मंगो माता तुहानू अवश्य खिमा करेगी इस नाचीज नू पहला शहनशाह दिया बख्शीशा बख्शिया तो फिर कहते हो कि मान ना कर मैं अहंकार नहीं मान किता है मां ते जे मेरे मान नु अहंकार समझिया गया है तो मैं खिमा चाहता हां बंदा बोलन हार है मां तू बख्शन हार है मैनू बख्श ले मां आज कल चट्टान वर्गी पक्की हो गई है कि बाकी भक्ति विच शक्ति है त्यानु भगत महोदय तेरे ऋणी हैं त्यानु भगत जी जय माता लाता वाली दी जय माता जोता वाली दी जय माता जोता वाली दी विनंती रंग बसंती हे दुख पंजन सुख दाती सन सुख हो वे दिन राती जो तेरा नाम ते आवे मंगिया मुरादा